बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण पर बयान देकर नई बहस शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों की कहीं से कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय होगा, ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे वोट की चिंता नहीं है, आपने पहले काम करने का मौका दिया तब काफी काम किया, फिर काम करने का मौका मिला तो फिर आपके बीच आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और कोई समस्या शेष रह गई हो तो उसका समाधान करेंगे। बता दें आपको कि वाल्मीकि नगर में थारू जाति के काफ़ी वोट हैं और ये जाति जनजाति में शुमार करने की मांग उठा रही है, और इसी का समर्थन करते हुए नीतीश ने कहा कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी संग्राम पर अब आरक्षण का दाव खेला गया है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की है। आपको बता दें कि नीतीश ने कहा है कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।